नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? देखिए बच्चों, हम पढ़ रहे थे पार्ट पांच, और पार्ट पांच हमने पढ़ लिया था, और इसके जो पार्ट बोध के प्रश्न थे वो हमने अच्छे से समझ लिए थे। अब बारी आती है बच्चों व्याकरण बोध के टॉपिक को करने की। व्याकरण बोध में सबसे पहला टॉपिक है बच्चों भवत शब्द, जिसे हम कहते हैं हिंदी में आप, इंग्लिश में कहते हैं हम यू, उसको आपको अच्छे से समझना है। समझना कैसे है? सातों विभक्तियों में और तीनों वचनों में। आपको मैंने बताया था संस्कृत में सात विभक्तियां होती हैं, तीन वचन होते हैं और तीन लिंग होते हैं। भवत शब्द का कोई लिंग नहीं है, क्योंकि आप जो मध्यम पुरुष का शब्द है आप, वो मैंने आपको बताया था कि मैं होती हूँ, आप होते हैं। अस्मत और युष्मत शब्दों की तरह ही भवत भी क्या है? शब्द है। जिस प्रकार अस्मत और युष्मत सर्वनाम शब्दों उभयलिंगी है, उसी प्रकार भवत भी क्या है? उभयलिंगी सर्वनाम शब्द रूप है। अब देखिए बच्चों, आपको ये जो चैप्टर था, चैप्टर 5 विद्यालय से क्रीड़ा दिवस है, इसमें ये बताया गया था कि इस शब्द की मेन, यानी इस शब्द को पर आधारित था ये चैप्टर। आपको इस शब्द को समझाने के लिए इस चैप्टर को दिया गया था आपके कोर्स में। अब देखिए बच्चों, वर्ड शब्द जो हम क्लियर करने वाले हैं वो हम एक एक वर्ड के साथ क्लियर करेंगे, यानी सात विभक्तियों के तीनों वचनों के साथ हम इसको क्लियर करेंगे। कि क्लियर करने से पहले आपको ये समझना होगा कि सात विभक्तियों के चिन्ह कौन कौन से होते हैं। वैसे हम अपनी प्रीवियस क्लास में आपको ये समझा चुके थे कि सात विभक्तियों के चिन्ह कौन कौन से होते हैं, फिर भी हम एक बार वापस करते हैं। देखिए, पहली विभक्ति होती है कर्ता, जिसका चिन्ह होता है ने। दूसरी होती है कर्म, जिसका चिन्ह होता है को। तीसरी होती है बच्चों करण, करण अर्थात से का अर्थ होता है हर चीज को किसी चीज से जोड़ने पर। जब कोई चीज किसी से जुड़ गई, जब कौन सा चिन्ह आएगा? कर्म वाला से। इसके बाद बच्चों आता है संप्रदान। संप्रदान का अर्थ क्या होता है? के लिए। इसके बाद बच्चों आता है अपादान। अपादान का अर्थ भी से होता है, लेकिन ये होता है अलग करने पर। इसका प्रयोग हम कब करते हैं बच्चों? जब हम किसी चीज को किसी चीज से अलग कर रहे हो। जैसे मैं आपसे कहूँ मैं कलम से लिखती हूँ, तो जब मैं कलम से लिख रही हूँ, मैं गेंद से खेलती हूँ, मैं पुस्तक से पढ़ती हूँ, तो वो तीनों चीजें पुस्तक से मेरे हाथ के टच में है, जो मैं बात कर रही हूँ आपसे गेंद से खेल रही हूँ या कलम से लिख रही हूँ, तो कलम गेंद और पुस्तक तीनों क्या है? मेरे पास है। तो जब कोई चीज किसी चीज को जोड़े तब कौन सी भक्ति आती है बच्चों? तृतीया। कौन सी आती है बच्चों? तृतीया। तो तृतीया के साथ हम क्या करते हैं? जोड़ने पर। लेकिन जैसे मैं आपसे कहूँ कि मैं अलवर से जयपुर गया, तो अलवर से जयपुर गया यहाँ भी बीस क्या आया है, लेकिन जब मैं अलवर से जयपुर गया तो जयपुर में पहुंच चुका हूँ और अलवर को मैं छोड़ चुका हूँ, अलवर से मैं अलग हो चुका हूँ। जैसे मैं आपसे कहूँ कि पेड़ से पत्ता गिरता है, तो पेड़ से पत्ता गिरा, तो पत्ता पेड़ से अलग हो गया है। तो जब कोई कर्ता किसी भी वस्तु से, किसी कर्म से, मन से अलग हो जाए, तब हम कौन सी भक्ति का प्रयोग करते हैं बच्चों? अपादान अर्थात पंचमी भक्ति का। इसके बाद आता है बच्चों संबंध। संबंध अर्थात का, के और की, किसी चीज का किसी चीज से संबंध करने का। इसके बाद आता है बच्चों अधिकरण। अधिकरण अर्थात मे, पे, पर। और लास्ट होता है बच्चों संबोधन। संबोधन मैंने आपको बताया था पहले भी कि संबोधन होता है ये भो और अले। इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? जब हम किसी को बहुत दूर खड़ा हो उसे आवाज देते हैं तब, किसी व्यक्ति को स्पेशली संबोधित करते हैं तब। और इसके अलावा हम संबोधन का प्रयोग करते हैं कब बच्चों? हम संबोधन का प्रयोग करते हैं जब हम किसी मंत्र का उच्चारण कर रहे हों तब। अब हम इन कारक चिन्हों के माध्यम से इस भवान, जो भवत शब्द है, इसके रूपों को समझेंगे। अब एक बार आप इसको अपनी नोटबुक में नोट डाउन ध्यान से कर लें और याद भी कर लें। देखिए, कर्ता ने कर्म को कर्म से जोड़ने पर, संप्रदान के लिए अपादान से अलग करने पर बच्चों,
संबंध का एक ही अधिकरण में पेपर संबोधन ये वो और आई, ये आप समझ चुके हैं। तो इन सभी कारक चिन्हों को हम यहाँ पर यूज करेंगे और साथ में आपको बताएंगे कि आप जो शब्द है उससे हम किस तरह से सेंटेंस बनाएंगे। जब सेंटेंस बनाते हैं तब आपको ये पता होना चाहिए कि जो कारक चिन्ह है उन्हीं सेंटेंस बनते हैं बहुत आसानी से। देखिए ये पहला शब्द है हमारा भगवान, क्या शब्द है बच्चों? भगवान। अब इसका अर्थ क्या होता है? आप। इन सब में अर्थ आप ही चलेगा, लेकिन साथ में क्या जरूर हो जाएगा बच्चों इसके साथ? इसका कारक चिन्ह। तो यहाँ पर इसका कारक चिन्ह है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? आपने। जब आपको आपने लिखना हो तो आप क्या लिखेंगे? भगवान। इसके बाद आता है भवंतव। भवंतव में क्या है? अब देखिए एक वचन है तो ये सारे एक ही व्यक्ति बोलेगा, एक ही व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होंगे, लेकिन जब हम द्विवचन की बात करेंगे तो ये संख्या यानी नंबर, जिसे क्या कहते हो आप इंग्लिश में नंबर कहते हो, हिंदी में आप इसे वचन कहते हो, हम इसे संख्या भी कहते हैं। जब दो की संख्या की बात करेंगे तब हम किसका प्रयोग करेंगे बच्चों? द्विवचन का। और जब हम दो से ज्यादा की बात करेंगे तब हम किसका प्रयोग करेंगे बच्चों? बहुवचन का। अब देखिए आप दोनों ने इसका क्या हुआ बच्चों? आपने, आप दोनों ने, और भवंतव का अर्थ होता है आप सब ने। आप एक सिंगल व्यक्ति है एक वचन है, आप दोनों द्विवचन है और आप सब बहुवचन है। आप इस बात को ध्यान रखिए मैंने तीनों का क्या चिन्ह लगाया है? ने, क्योंकि प्रथमा का चिन्ह क्या होता है? ने। आपने, आप दोनों ने, आप सब ने, समझ आया? अब करते हैं हम द्वितीय का चिन्ह। देखिए द्वितीय का चिन्ह क्या होता है? को। क्या होता है बच्चों? को। आपको, आप दोनों को, और यहां क्या आएगा बच्चों? आप सबको। तीनों ही मैंने क्या लगाया है बच्चों? चिन्ह को। ध्यान रखिए इस बात का, क्योंकि द्वितीय का चिन्ह क्या होता है? को। तो आप यानी एक वचन को, आप दोनों यानी द्विवचन को, और आप सब यानी बहुवचन। अब देखिए बच्चों अगला भवता। भवता क्या है? तृतीय का है, और तृतीय का कारक चिन्ह क्या होता है? से। तो आप क्या लिखेंगे? आप से, आप दोनों से, और आप सब से। देखिए मैंने सिर्फ कारक चिन्ह लगाया है से, बाकी आप दोनों, आप सब, ये आपको पता है। आप क्यों आया? क्योंकि एक वचन है। आप दोनों क्यों आया? क्योंकि द्विवचन है। और आप सब क्यों आया? क्योंकि वो बहुवचन है, दो से ज्यादा है। तो क्या लिखेंगे? आप सब। अगला देखिए बच्चों आता है चतुर्थ विभक्ति का प्रयोग करते हैं तो लिखते हैं हम के लिए। तो भवते का अर्थ होता है आप के लिए। यहां क्या लिखोगे बच्चों? जरा बताओगे आप? सोचो एक बार। आई विल गिव यू 5 सेकेंड। 1, 2, 3, 4 एंड 5। जिन्होंने बताया है उनके लिए क्लैप एंड वेरी गुड, और जिन्होंने नहीं बताया है वो कोशिश करें, डेफिनेटली समझ जाएंगे और बताएंगे, क्योंकि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। देखिए आपके लिए, आप दोनों के लिए, और आप सब के लिए। क्या लिखेंगे बच्चों? आप दोनों के लिए, और यहां क्या लिखेंगे बच्चों? आप सब के लिए। समझ आई मेरी बात? बहुत आसान है, यदि आप ध्यान से करेंगे तो आप सब कुछ समझ सकते हैं। संस्कृत में ऐसा कुछ नहीं है जो आपको टिपिकल लगे, हाँ सिर्फ समझने की जरूरत है। और यदि आप एक एक फैक्ट को ध्यान से समझेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली
आप बहुत अच्छी तरह सीख पाएंगे और ना कोई कंफ्यूजन होगी ना कोई दिक्कतें आएंगी। और फिर भी दिक्कतें आती हैं टेंथ क्लास टू में, आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं। मैंने आपको पहले बताया कि चीजों को रटेना, चीजों को समझें। जब आप चीजों को समझेंगे तो आपकी चीजें ज्यादा बेहतर तरीके से क्लियर होंगी, लेकिन जब आप चीजों को रटेंगे तो कुछ टाइम बाद वो आपके दिमाग से खत्म हो जाएंगे। समझ रहे मेरी बात को? अब देखिए, पंचमी का चिन्ह वही होता है से जो करण का होता है, वही अपादान का होता है। लेकिन करण का चिन्ह क्या होता है बच्चों? जोड़ने के लिए। और अपादान का चिन्ह क्या होता है बच्चों? किसी चीज को किसी चीज से अलग करने के लिए। तो यहां भी वो क्या आएगा? आपसे, आप दोनों से, और आप सबसे। आपसे अलग हुआ, आप दोनों से अलग हुआ, आप सबसे अलग हुआ। कोई भी वस्तु आप सबसे दूर हुई है तो ये आएगा, यदि आप दोनों से दूर हुई है तो ये आएगा, और सिर्फ आपसे दूर हुई है तो ये आएगा। जब कोई वस्तु आपसे जुड़ी है सिर्फ आपसे तो ये भक्त आएगा, जब आप दोनों से जुड़ी है तो भक्तभ्याम आएगा, और जब आप सबसे जुड़ी है तो भगवत भी आएगा। समझ लिए मेरी बात को? आराम से समझें और आराम से लिखें। अब देखिए आता है षष्ठी विभक्ति का भगवत। षष्ठी का किस्म क्या होता है बच्चों? का, के और की। ये किसी चीज का किसी चीज से संबंध बताने के लिए होता है, यानी मेरी किताब, मेरा घर, मेरा शहर, मेरे लोग, रानी की, काके की, नानी की, ये सब क्या है? हमारा भारत, मेरा भारत, ये सब क्या है? संबंध है। भारत का मुझसे, पुस्तक का मुझसे, घर का मुझसे क्या है? संबंध है। संबंध किसमें आता है बच्चों? षष्ठी विभक्ति। संबंध किसमें आता है बच्चों? षष्ठी विभक्ति। तो यहाँ भगवत का अर्थ क्या होगा? आपका, आपके, आपकी। ठीक है, आपके और आपकी, आप दोनों का, आप दोनों की, आप सबका, आप सबके और आप सब की। ठीक है बच्चों, अब देखिए सप्तमी विभक्ति क्या होती है बच्चों? अधिकरण होती है। अधिकरण का मतलब होता है आधार। जब किसी चीज का किसी चीज से आधार हो, जब कोई चीज किसी चीज पर आधारित हो, कोई वस्तु किसी वस्तु पर आधारित होती है, तब हम किसका प्रयोग करते हैं? अधिकरण। अधिकरण अर्थात सप्तमी विभक्ति। सप्तमी विभक्ति के चिन्ह होते हैं मे, पे, पर। तो भक्ति आप में, आप पे और आप पर। आप दोनों में, आप दोनों पे और आप दोनों पर। और यहां लिखते हैं हम आप सब पे, आप सब में, आप सब पर। आप सब में, सब पे और सब पर। अब देखिए बच्चों, ये जो भगवत हमने शब्द रूप याद किए हैं, ये आप अच्छी तरह समझ जाएं कि इसका अर्थ होता है आप। इसका अर्थ क्या होता है बच्चों? आप। इसके रूप चलते हैं सातों विभक्तियों में, तीनों वचनों में, और तीनों वचनों में किस किस शब्द का क्या क्या अर्थ होता है वो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। जो हमने कारक नियम लिखे थे, कारक चिन्ह वाले, उन कारक चिन्हों के माध्यम से हमने एक एक शब्द को हिंदी में भी समझ लिया है और संस्कृत में भी समझ लिया है। और आपको ये जो फॉर्मेशन मैंने बनाई है, पूरी फॉर्मेशन, वो एज इट इज आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करनी है। एज इट इज, यानी आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर आपको आप नहीं लिखना है, चाहे आप एक लाइन छोड़कर लिखें चाहे दो लिखें, जैसे आपको समझ आए वैसे लिखें। लेकिन लिखना, होमवर्क आपको पूरा करना है बच्चों। जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है, जो आपको समझाया जा रहा है, वो ग्रामेटिकल हो चाहे रिटन पोर्शन हो, आपको ध्यान से समझना है, ध्यान से अपनी अपनी कॉपीज में नोट डाउन करना है। कोई क्वेरी होती है तो आप पूछ सकते हैं,
आई थिंक वैसे कोई क्वेरी होगी नहीं, फिर भी यदि होती है तो आप पूछ लें, लेकिन जिस फॉर्मेशन में आपको ब्लैक बोर्ड पे एक्सप्लेन किया जाता है आप उसी फॉर्मेशन में अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। Am I clear? अब देखिए मेरे साफ साफ लिखा है भवान का अर्थ होता है आपने, भवंतम का अर्थ होता है आप दोनों ने, और भवंतय का अर्थ होता है आप सबने। यहाँ भवंतम अर्थात आपको, भवंतव अर्थात आप दोनों को, भवतः अर्थात आप सबको, भवता अर्थात आपसे, भवभ्याम अर्थात आप दोनों से, और भवद्भिः अर्थात आप सबसे, भवते अर्थात आपके लिए, भवदभ्याम अर्थात आप दोनों के लिए, भवदभ्यः अर्थात आप सबके लिए, भवतः अर्थात आपसे, भवदभ्याम अर्थात आप दोनों से, और भवदभ्यः अर्थात आप सबसे, भवत अर्थात आपका, आपके, आपकी, भवतो अर्थात आप दोनों का, आप दोनों के, आप दोनों की, और भवता अर्थात आप सबका, आप सबके, आप सबकी। नेक्स्ट देखिए भवति, भवति अर्थात आपने, आप पे, आप पर, भवतो अर्थात आप दोनों में, आप दोनों पे, आप दोनों पर, और भवस्व अर्थात आप सब पे, आप सब में, आप सब पर। और संबोधन तो है आपका बता दिया मैंने, कंफ्यूज होता है तब किसी मंत्र का उच्चारण करते हैं तब बच्चों, इसके अलावा कोई हमसे बहुत दूर खड़ा हो उसको हम आवाज दे रहे हैं तब, और जब हम किसी व्यक्ति को स्पेशली संबोधित करके कोई बात करें तब हम करते हैं संबोधन का प्रयोग। बाकी जो भगवान भगवत की शब्द रूप है वो मैंने आपको बता दिए हैं। आज की क्लास में इतना ही, आपको ये ध्यान रखने हैं, लर्न करने हैं, कॉपी में नोट डाउन करने हैं, और साथ ही इसको अच्छे से याद करना है। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।